हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो ये देखिए, मैं बार बार अपने जो गार्डन का व्यू है वो आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है इस टाइम पे। ये देखिए, फ्लावर्स पूरे बहुत सारे आ गए हैं। तो ये वीडियो है संक्रांति की एक दिन पहले, जिस दिन हम लोग लड्डू बनाए थे उसके एक दिन पहले का। और हम लोग शूट किए थे वीडियो, शेयर नहीं की मैं, मतलब हो रहा जाता है कोई ब्लॉग ना, तो वैसा ही था। और लड्डू का शेयर की, फिर संक्रांति का शेयर की, बीच बीच में कई दिन ऐसे ही चले गए। और बहुत ही प्यारा सा मैंने देखा ब्लॉग बन गया था, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। और बस ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं, हमारा डे कैसा जा रहा है, यही सब बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर बताइएगा। वाओ, कैट इज रेडी, सो क्यूट कैट। मैम रेडी 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 बोलो। म्याओ 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 म्याओ। देख लो भाई, लो भाई, हाल देख लो। क्या ऑनलाइन क्लास बच्चे का नहीं लोगे तो खाना बनाओगे और क्या? मैंने सब कुछ किया, पूरा सब कुछ किया। आज तो सुपर स्टार मिला बाबू को, 5 स्टार टुडे। यस, मजा आ गया भाई, मजा। पूरा डांस भी किया। और मम्मा ने देखो, ये देखो कि जिस दिन मम्मा क्लास लेती, मम्मा के साथ बाबू कितना खुश होता है, ये तो देखो। नहीं, मम्मा के साथ मजा आता है। पापा क्या कर रहे हैं? पापा चाय बना रहे हैं। पापा चाय बना रहे हैं। मम्मी हलवा बना रही है। ये देखो, हलवा बना रही है दोस्तों, हलवा बन रहा है, बहुत अच्छा सा। और यहाँ पे चाय बन रही है। मम्मी चाय बनाती है, पापा हलवा बनाते हैं। पापा चाय बनाते हैं। मम्मी समोसा बनाती है, बहुत चाय बनाते हैं। मम्मी पराठा बनाती है, पापा चाय बनाते हैं। और मम्मी वड़ा पाव बनाती है, पापा चाय बनाते हैं। पापा चाय बनाते हैं। लेकिन हमारी चाय बहुत अच्छी होती है ना। हम जो चाय, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा फिर से बोलो। हम जो चाय बनाते हैं वो चाय चाय होती है, उसको चाय अच्छी। क्या चाय आप बाहर बनवा लो, क्या चाय बाहर में जाके चाय, बाहर वाली चाय जो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, तो बारबेक्यू वाली होती है ना। चाय बनाने उसका कोई जोड़ थोड़ी है बारबेक्यू वाले चाय का। बारबेक्यू अच्छा होता है गाइस। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्कूल सब कुछ घर से जो चल रहा है ना, उसमें सुबह से नाश्ता खाना पीना सब कुछ टाइम टू टाइम है, एक भी चीज लेट नहीं हो रही। खाना पीना मिलना चाहिए भाई, मजा नहीं आता। क्या कहते हैं, ऐसे अगर लॉकडाउन और रिमोट सेशन रहा हम लोगों का, तो हम मोटे, इतने मोटे हो जाएंगे। कितने? इतने मोटे हो जाएंगे खा पी। अभी कम हो गया? वही तो, अभी तो और मोटे हो जाएंगे। तो भाई चलने का मौका ही नहीं है बस। पापा कैसे चाय बनाते बाबू? अच्छे से। कड़क, कैसे बोलते हो? कड़क चाय बनाते पापा। मोटे हो जाओ, मतलब ये एक टाइम का सब कुछ किचन में साफ करके हटती हूँ, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद मम्मी क्या बना रही हो। पूरे टाइम यही चलता रहता है। वाह, ये चार जो भूत हैं, तीन भूत और एक मैं भूत, चारों भूत इसी में घूमते रहते हैं। ये देखो गाइस, तो कहीं चलना वलना है, कुछ है प्रोग्राम आज का? बाबू क्या प्रोग्राम है? जंप करो,
क्या क्या लाना है आपको? बाबू को अलकायम जाना है। अलकायम स्कूल का कुछ ना कुछ रहता भी है ना रोज। ये चीज तो है, बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन मैम का, जो होती है वो करता है। रोज कबाया जाता है, रोज कबाया ये मांगा है मैम ने, वो मांगा है। पेंटिंग हुई है बाबू, पेंटिंग हुई है और स्केच पेन डाला उसने। ये तो रोज का है, एक दो पैकेट स्केच पेन दो हर हफ्ते का है आपका। कबायल और लुलु, कबायल लुलु छोड़ दो, छोड़ दो इसका बनाओ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ढेर सारा घी डाल के, और ये देखिए आदो महाराज कैसा बना है। बहुत गर्म है, बहुत ही टेस्टी हलवा बना है, और सर्दियों में हलवा खाने का मजा ही और है। हाँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए सिलिकन ओएसिस में, सिलिकन सेंटर, और यहाँ पे बड़ा सा लुलु है, यूएई का सबसे बड़ा लुलु। और ये मैं पहली बार फ्रंट में आई हूँ, देख रही हूँ बड़ा अच्छा बैठने के लिए है। और ये फव्वारा हम लोग पार्किंग में जाते थे तो देखते थे, और ये कितना मस्त है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे तो घूमने के लिए इधर से आए ना, हम लोगों को लाइट दिख रही थी तो इधर से निकल आए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। सिलिकन ओएसिस बहुत अच्छा सिटी है अपने आप में ही, दुबई का स्मार्ट सिटी है पहला, बहुत अच्छा बना हुआ है, देखो कितना मस्त लग रहा है ये। अदू ध्यान से सोनू, ये देखिए, चलिए चलते हैं लुलु के अंदर। करी लीव्स के साथ कैशू है, रोस्टेड कैशू, कितने तरह के काजू हैं देखो, काजू नट्स पेपर, ब्लैक पेपर वाला ना, और चिली लाइम, चिली लाइम, कितने तरीके के काजू हैं, फ्लेवर रोस्टेड वासाबी, रोस्टेड कैशू नट्स मसाला, कैशू विद स्किन, इसका काजू का स्किन ऐसा होता है देखो, बहुत तरीके के विद स्किन, उधर भी 8-9 तरीके के काजू हैं। 1 kg या कैशू विद करी लीव्स, करी लीव्स, और ये क्या है, नट्स गार्लिक, नट्स गार्लिक, बारबेक्यू कैश्यू, वाओ, चिली, हम बारबेक्यू कैश्यू नट्स चिली, आलमंड, वाओ भाई वाह, काजू रेडी हो गया हमारा, ये देखो पॉपकॉर्न, ये देखो स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस के लिए, वाओ अद्दू गुड, ले रहे हो तो टेस्ट कर लेना, नमकीन जैसा है ना, पैकेट वाला ले लो ना, ये वाला, ये बॉक्स में है, ये बड़ा जरूरी है भाई। क्या बोल रही हूँ, हम लोग बारबेक्यू वाले सेक्शन में ज्यादा घूमते हैं ना, कुछ नया आइटम तो नहीं आया है बारबेक्यू के लिए। ये देखो दिया लालटेन मिल रहा है, ये वाला इसमें तेल डाल के जलाते हैं, ये वाला बारबेक्यू के लिए। ये एक लेते हैं इस बार दिया यार, ये इसको जलाते कैसे है, ये देखो ये प्रॉपर दिया है जैसे गांव में जलाते थे ना पहले वाला, वो है इसका ऑयल कौन सा है, वही तो, वही तो मिट्टी का तेल मिलता है क्या, झूला अच्छा है बाबू, इसको भी ले लेंगे, बारबेक्यू चलेंगे उधर ही जलाएंगे हम लोग, उधर ही झूलेंगे, सो जाए, सो रहे हो क्या तू। ये देखो मकर संक्रांति, पोंगल, ट्रेडिशनल फेस्टिवल, हैप्पी लोहड़ी, सब कुछ एक साथ आने वाला है, और बहुत सारे रिलेटेड लड्डू बन गए, पिन्नी लड्डू, बहुत सारे तिल के लड्डू, हाँ सब कुछ है। ये क्या है, बनाना का कुछ तो है, खीर जैसा है, ये भी खीर है जैसा, ये भी खीर जैसा कुछ है,
के कोई सामान जो रात का आया था सब कुछ यहीं पे है। और अभी मतलब सब्जियां नहीं थी तो ऐसे रख सकते, सब्जियां होती तो रात को ही हम लोग अंदर रखते। ये देखिए चना है और ये लूलू हम लोग गए थे तो ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं जो भी आए थे सब। ज़्यादातर मैं अलग से अब क्या दिखाऊँ, आप लोगों ने देखा ही था वीडियो में जो लिया गया था वो सब। और ये तिल है तो यही सब चीज़ें आई हुई हैं और थोड़े से फ्रूट्स भी हैं, ये इलायची है। तो यहाँ पे देखिए ये एक रैक मैं हमेशा खाली रखती हूँ, ये जो तीनों साइड में है तो इसमें जैसे कुछ एक्स्ट्रा लाते हैं ना तो रख देती हूँ मैं, तो इसको देखिए ऐसे करके मैं रख देती हूँ। गुड़ काफ़ी सारा लाई हूँ तो ये देखिए पीछे तीन है और ये वाला पीछे तीन है आगे दो, मतलब 5 किलो गुड़ हो गया। और ये सब मैं ऐसे रख देती हूँ तो ये इस वाले बॉक्स में जब रहता है ना तो पता चलता है कि क्या लेना है मंचिंग के लिए, जैसे कुछ खाना है इन लोगों को, मूँगफली ये सब, चना, नमकीन ये सब ऐसे तो खा लेते हैं ये लोग। तो ये फ़िलहाल के लिए मैंने अभी रख दिया है और फिर बाद में इसको सेट करेंगे तो ऐसे पता चलता है कि एक साथ कहाँ पे कितना सामान रखा हुआ है अभी जो आया है।